भाई सुबह सुबह उठ के बफाट पैकिंग की है ना मैंने, और ये देखो धूप आ गया। मैं उठा मनी के फ़ोन से, क्योंकि मनी है नहीं, मनी गया था टाइगर नेस्ट, तो मैं गया था, मैं तो सोऊंगा। ये क्या मस्त धूप आई है भाई, जबरदस्त। तो अपन पूरा रेडी हो गए, अभी जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने। अपने साथ ना लैपटॉप वाला बैग कैरी कर लिया है, और ये बैग तो गाड़ी में रखेंगे क्योंकि उसके बाद मुझे मनी को पिक करने जाना है। अगेन ब्लैक। तो ठीक है भाई, अब चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। सब फोन वोन ले ली ना भाई? हाँ ले लिया, ले लिया। पानी का बोतल उठा लेते हैं ना। हाँ ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर यहाँ से भग लेते हैं। हाँ चलो चाबी भी दे देंगे उनको। के लिए आज ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा क्योंकि भैया भी नहीं है, जो अपने गाइड भी हैं वो भी नहीं है, एंड मनी भी नहीं है। इधर है इनका रेस्टोरेंट, और यहाँ से ना अपना होटल भी बुक कर लेंगे क्योंकि वो भी ज़रूरी है। ये है जी अपना ब्रेकफास्ट टेबल, यहीं पे बैठ के खा लेते हैं। ये वाला जगह सही लग रहा है? हाँ यही वाला जगह है हमारे लिए। और भाई जब तक अपना ब्रेकफास्ट आ रहा है, अपन कर लेते हैं अपना होटल बुकिंग। अपने ट्रैवल में ना मैं यूज़ करता हूँ वीगो, अपने फ्लाइट, अपने होटल, इवन अपने ट्रेन टिकट्स बुक करने के लिए। यहाँ पे होटल में गए, आज हम रुकेंगे फुनाखा, तो फुनाखा का डेट, मतलब फुनाखा डाल दिया, डेट डाल दिया, और यहाँ कर देते जी सर्च। अब वीगो मेरे को मल्टीपल साइट्स को कंपेयर करके ना होटल के बेस्ट रेट्स देता है, और जी ये सारे होटल के ऑप्शंस मेरे को यहाँ पे साइट कंपेयर करके उनके बेस्ट रेट्स मिल गए। होटल वही रहता है, फ्लाइट्स वही रहती है, लेकिन उनके रेट अलग अलग साइट्स पे अलग अलग रहती है। अपने ट्रैवल के दौरान अगर आपके दो पैसे बचे तो क्या माड़ा है भाई। वीगो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, गो चेक इट आउट। मैं रिकमेंड करता हूँ वीगो क्योंकि वो आपके बचाता है पैसे, प्लस अगर आप वीगो ऑलरेडी यूज कर ले तो ऐप को अपडेट कर लेना ताकि ट्रेन वाला ऑप्शन भी आपके ऐप में रिफ्लेक्ट होने लगे। यहाँ से मनी का जो डिस्टेंस है ना, उसने मुझे सुबह जीपीएस लोकेशन भेज दिया था, तो वो डिस्टेंस है 8.8 किलोमीटर, मतलब 9 किलोमीटर है, 19 मिनट लगेंगे। तो एक बार ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर अपना बैग मंगाते हैं, गाड़ी में बैग लोड करते हैं, और फिर पारो को बाय बाय कह देते हैं कि देवदास अभी दूसरे पारो के पास जा रहा है। और कल हमने पूरी सब्जी बोला था, तो ये आ गया हमारा पूरी सब्जी। थैंक यू। डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक? नो सर। ओके, इट्स अ कॉमन ब्रेकफास्ट हियर, वी नेवर फाउंड इट। ना सामान भी यहाँ पे आ गया सारा। हाँ मुझे हेल्प मिलेगी कोई सामान गाड़ी तक? ठीक है ठीक है, अभी बिल पे कर देते हैं और फिर यहाँ से कट लेते हैं। भैया को मैंने रिक्वेस्ट किया कि हम गाड़ी अंदर ले आते हैं ताकि सामान अपन इधर ही डाल लें, क्योंकि सामान भारी है ना भाई। अब यहाँ से निकलते हैं, पीछे ना पीछे वाला डिक्की खुला रह गया था, वो पता नहीं चला ना, सामान सारा लोड किया तो वो खुला रह गया था। सीट बेल्ट लगाते हैं और यहाँ से चलते हैं, मनी को पिक करते हैं। दो बार ऑलरेडी फ़ोन आ गया है। यहाँ पर वैसे ना सीट बेल्ट मैंडेटरी नहीं है, कल मैंने पूछा था भैया से तो उन्होंने बताया कि सीट बेल्ट यहाँ पे मैंडेटरी इसलिए नहीं, क्योंकि पहाड़ वाला एरिया ना, तो अगर कुछ भी होता है, कभी भागना पड़ता है गाड़ी छोड़ के या लैंडस्लाइड वैसा है, तो सीट बेल्ट लगाओगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, अलग अलग रूल्स अलग अलग कंट्री में होते हैं। और ये मेरे सामने जा रही है सुजुकी की जिम्नी। जरा यार जिम्नी यहाँ पे लॉन्च होगी, क्या सही लग रही है। मैंने कहा भाई ये कौन सी छोटी सी गाड़ी है, ये देखो साइड से देखो, क्या सही है यार, मस्त सी एकदम लग रही है ना, 4x4 का पूरा कमाल छोटू में। कुछ तो गड़बड़ हुआ है अपने लोकेशन में ना, तो ये ना कुछ अलग ही लोकेशन बता रहा है, तो मैंने वापस से एक बार लोकेशन मंगवाया है। ये लोकेशन देखते हैं भैया सही रहता है ये गलत रहता है ये। अरे यहाँ से अंदर जाने के लिए कहाँ कह रहा है ओ भाई, इसके अंदर जाने के लिए कह रहा है, ये तो कोई ऑफ रोड ही करा रहा है भाई। हाँ इसके अंदर कहीं पे बता रहा है, पता नहीं कहाँ बता रहा है, जीपीएस सही बता रहा है नहीं बता रहा है। बट एक ट्रक वक भी लगा हुआ है, रास्ता पतला है। हाँ ये शायद जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है ना उसका लोकेशन है ये। चलो देखते हैं, फॉर्चुनर है कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नीचे उतार के उसी रोड पे मिला दे रहा है, क्या नाटक है यार। देखो उधर से चढ़ाया फिर से उसी रोड पे उतार दिया, तो वहीं से घुमा लेते भैया यू टर्न। क्या सुंदर लग रहा है यार, पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर यार, बहुत ही जबरदस्त है यार। हर लोकेशन ही साला एक से बढ़कर एक है भाई। तो फाइनली भाई लोग मिल गए। तुमको ठंड लग रहा था सुबह सुबह? सुबह ठंड था यार, लेकिन हाइक करते करते तो इतनी गर्मी लगी भाई। हाँ यार इतना उबल रहा है,
चलो भैया अब यहाँ से सीधे फुनाका का डिस्टेंस डाल दिया 127 किलोमीटर। भूटान में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता है भाई, लेकिन फिर भी लगेगा 4 घंटे 127 किलोमीटर, मतलब शाम में पहुंचेंगे 5-6 बजे के करीब, रुकेंगे भी ना। चलो कट लो भग लो। अब हमारा पूरा बजट हिल गया था तो हम इधर PNB बैंक आए थे, PNB से अपने कैश निकाला क्योंकि अपने पास कुछ है ही नहीं। तो अभी तो होटल्स और बाकी सब जो खाना पीना खाएंगे, जो सुविनेर्स लेंगे, भैया को भी तो 7,500 रुपये देना है 5 दिन का, 1,500 पर दिन के हिसाब से, तो उसके लिए कैश ही चाहिए था भाई। हल्का फुल्का कैश निकाला और ना मैंने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड अपना एक्टिवेट नहीं किया था, तो मनी को ट्रांसफ़र किया, मनी के ATM से फिर निकाला, मतलब बहुत झमेला भाई। तो पूरा बजट हिल गया ना, हमने सोचा ही नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं था ना कि गाड़ी और बाकी सारी चीज़ों में इतना पैसा लग जाएगा। अच्छा भैया कह रहे हैं उधर नहीं बेटा, चाहे गाड़ी तुम्हारा उधर करना क्रॉस जेब्रा क्रॉसिंग से ही है। ओह ये भूल जाते हैं ना हम। चलो भाई यहीं पे पहले दिन रुके थे अपन इस कैसल के पास, तो इसी कैसल के पास यहाँ पे एक शॉप है, यहाँ गाड़ी खोलना ना। क्या पर्स भूल गया मैं? कोई बात नहीं, पहले ले लो उसके बाद पे कर देना, मैं पे कर देता हूँ। मैं वॉलेट निकाला हुआ ना, अभी तो हम बहुत पैसा निकाल सकते हैं ना। अब तो पता चल गया हमें। हाँ दिस बियर बॉटल भाई, मैंने ना ये लेमन ग्रास परफ्यूम है, मतलब परफ्यूम क्या एयर स्प्रे है, बहुत ही सही है यार, इसका फ्रेग्रेंस इतना रिफ्रेशिंग है ना, तो ये गाड़ी के लिए ले लिया है। भैया फुल टैंक जीरो देख लो उधर। हाँ 90 रुपये है यहाँ पे डीजल, 90.79, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ठीक है अभी डलवा लेते हैं यहीं पे ना, फ्यूल टैंक टॉपअप कराना ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 6700 रुपीज़ का डीजल आया, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका पेट खाली था, तो अब इसका पेट भरा दिया है, अब यहाँ से कट लो, इतने में हम भूटान एग्जिट कर लेंगे, मतलब अच्छा ये डीजल प्राइसेस। भाई तो यहाँ से फुनाका ना अपन वाया तिम्फू वाले रोड से जाएंगे, तो तिम्फू यहाँ से पारो से ना 50-1 किलोमीटर ही है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, 50 किलोमीटर आप 2-2.5 घंटे में आराम से पहुंच जाते हो, क्योंकि यहाँ पे ना अभी भैया बता रहे थे कि स्पीड गन लेके भी बहुत बार ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है हाईवे पे, 50 का स्पीड लिमिट है, तो अब अच्छे रोड्स है ना, तो यार अपने को तो वैसी आदत है नहीं ना, मतलब वो स्पीड लिमिट वाली, तो अपने को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से चलाना पड़ता है, प्लस ना बीच में राउंड अबाउट पे ना 1-2 बार चक्कर खा जाते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे धीरे करना होता है वो पता ही नहीं है भाई, ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिख रहा होता है लेकिन कोई आदमी, लेकिन आदमी हो चाहे नहीं हो आपको हल्का सा धीरे करना है। भैया ने एक और चीज़ बताई कि अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे किसी पेडेस्ट्रियंस को आप मार देते हो, आपकी गाड़ी से लग जाता है, देन यू हैव टू पे टू द पेडेस्ट्रियन, लेकिन वही पेडेस्ट्रियन अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं रोड पे कहीं जा रहा है तब मार देते हो, देन पेडेस्ट्रियन पेज यू, तो अगर यहाँ पे पैसा कमाना है तो आपको पता ही आपको क्या करना है। फाइन। अब पीछे स्पीड गन दिखा था, इंडिया में हम लोग ना भगचौंदर जैसा चलाते हैं ना भैया, फुल ऐसा रोड मिल जाए तो इसमें समझो माइकल सुमैकर बन जाते हैं, 110-120 वेरी गुड रोड, पहाड़ पे इतना अच्छा रोड, दबाव गाड़ी, वी स्टार्ट चेकिंग आर टॉप स्पीड ऑफ अ कार, भूटान में ड्राइविंग वेरी इम्पॉसिबल बिकॉज यू हैव टू ड्राइव स्लो। हिमादस्ती चिली विद चीज, नेशनल फूड, जबर रोड्स ना भाई, एकदम हम लोगों को दे दिया जाए तो रुकेंगे भाई, यहाँ पार कर देंगे हम, यहाँ तो 50-60 पे चल रहे हैं, वहाँ तो भाई 100-120, उससे नीचे काम नहीं होगा। हाँ और सीधे भितरामपुर अगर ब्रेक फेल हुआ तो। भैया ने बोला गाड़ी लगा लो इधर ना, आपको एक मस्त चीज दिखाते हैं, देखो 3 रिवर आ रही है, एक उधर से आ रही है, एक ये जा रही है, और एक इधर से पारो रिवर आ रही है, उधर से तिम्फू रिवर, और ये दोनों मिल के ना ये कॉन्फ्लुएंस है, और यहाँ से नीचे से जा रही है। अभी जाते हैं भैया के पास, भैया से पहले बात बतियाते हैं ना, इधर से सीधा भी ना आप हा वैली जा सकते हो, यहाँ पे बोर्ड भी लगा है हा का, हम चलेला पास हो के गए थे। चलो अब यहाँ से सीधे निकले तिम्फू के लिए। गर्मी है यार आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है।
भैया 2:30 बज गए थे, 2:30 बज गए थे इनफैक्ट। तो अपन यहाँ पे ना कुछ खाना खाने आए, पहले गाड़ी लगा देते हैं रोड से ऊपर चढ़ के। भैया ने एक जगह बताया यहाँ पे इंडियन फूड मिल जाएगा, यहाँ पे पार्क कर दे। अंडरग्राउंड तो नहीं है ये, सीधा ही है। उत्तरा होम्स, वो रेस्टोरेंट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ओके, यहाँ पे रेस्टोरेंट ना सारे मोर और लेस सिमिलर ही रहते हैं। देखो ये सारा जो फर्नीचर वगैरह है ना, मोर और लेस सिमिलर ही है। भाई अपना आ गया खाना, ये चिकन, ये आलू गोभी, ये राइस, ये दाल, ये भाई इतना सारा खाना कौन खाएगा पता नहीं। मैं तो बस हल्का हल्का चिकन और राइस या चिकन रोटी खा लूँगा। मैंने 6 रोटी बोला है वैसे है? क्यों, इसके बाद भी 6 रोटी है मतलब राइस के साथ तो रोटी नहीं लोगे जी। किसी ने एक्चुअली गाड़ी लगाई। अब यहाँ पे ना BP का मतलब है भूटान प्राइवेट, तो ये प्राइवेट कार है। BT का मतलब है भूटान टैक्सी, तो टैक्सी है, ऐसा भैया ने बताया था। बहुत सारी चीज़ें बताया हमें। चलो बैठो गाड़ी में और निकलो यहाँ से। पतला है ना ये रास्ता, काफ़ी ज़्यादा पतला है, बहुत स्टीप है। हाँ स्टीप है। यहाँ से हमारा वेलकम टू टिम्फू सिटी हो जाता है। ये टिम्फू सिटी के अंदर हम घुस रहे हैं और आज तो हम टिम्फू नहीं रुकेंगे, मतलब टिम्फू हमें रुकना है बट आज नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे कल और परसों। मतलब बेसिकली 2 दिन हम टिम्फू में हैं। तो अभी फुनाका अभी भी यहाँ से 73 किलोमीटर, मतलब 2 घंटे तो लगेंगे ही इसी रोड पे। रोड अच्छे हैं, एक पास आएगा दौचुला पास, तो वहाँ पे बड़ा अच्छे चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। भाई फूड इंडिया से चला गया लेकिन भूटान में अभी भी है। देखो मस्त फूड का शोरूम। तो ये टिम्फू है ना, तो यहाँ पे सारे कार्स का, इसुजू वगैरह बहुत सारी चीज़ों का शोरूम वगैरह है। टेक लिफ्ट लेफ्ट या फ्रॉम हियर। ओके अभी हम पहुंच गए दौचुला पास। और यहाँ के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं। पहले गाड़ी कोई ऐसी जगह खड़ी करते हैं ना जहाँ से अपने को फोटोग्राफ अच्छी आ जाए, अरे यहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे दौचुला पास पे ये 108 स्तूपाज हैं। अब इसकी कहानी क्या है ना, वो भैया ने अभी बताई, लास्ट टाइम हमें कहानी नहीं बताती। तो बेसिकली 2003 में आसामीज रेफ्यूजी भूटान के अंदर एंटर हो रहे थे और भूटान गवर्नमेंट ने फिर इंडियन गवर्नमेंट से बात की, उनसे बात की, लेकिन वो जा नहीं रहे थे। देन भूटान, रॉयल भूटान आर्मी ने एक वॉर डिक्लेयर किया था एंड उस वॉर में जो भी शहीद हुए थे या जो भी देवर 11 सोल्जर्स जो शहीद हुए थे रॉयल भूटान आर्मी की तरफ से और आसामीज़ रिफ्यूजीज़ बहुत सारे उसमें उनकी डेथ हुई थी, तो उसके मेमोरियल में ना ये सारे जो भी लोग मतलब इस दुनिया में नहीं रहे थे ना उसके मेमोरियल में ये स्तूपाज बनाए गए। बट अगर आप सामने देखो ना, आज पीक पूरा क्लियर है, तो यहाँ पे ना आपको सारा का सारा ना माउंटेन रेंज, बहुत ही अमेजिंग माउंटेन रेंज नज़र आता है। बहुत ही अमेजिंग पूरा माउंटेन रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे करके वो आंखों से ना ज़्यादा क्लियर दिखता है। बट ये बहुत अच्छा है। गाड़ी हमने आज, ज़्यादा भीड़ नहीं है तो गाड़ी भी हमने एकदम ऐसी लगाई कि सामने स्तूपास के पीछे ना एक फोटोग्राफ वगैरह ले पाएं। बहुत ही सुंदर है यार, बहुत ही मज़ेदार है। एंड आज वेदर अच्छा होने के, लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे ना तो बहुत ज़्यादा बर्फ थी, हम ऊपर तक गए थे स्तूपास का ऐसे राउंड लिया था, ऊपर भी आप जा सकते हो, तो हम ऊपर तक गए थे स्तूपास का राउंड लिया था बट बर्फ इतनी ज़्यादा थी ना कि इतना इन्जॉय नहीं कर पाए। आज एकदम सनी है वेदर तो बहुत मज़ा आ रहा है। चलो जी, अच्छा खासा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, 4:11 हो रहे हैं, दिख नहीं रहा है इसमें। श्री देख, फिर कुछ सुन रही है अभी बोल देगी आई कैन नॉट हेल्प यू विद दिस। चलो अभी गाड़ी में बैठ जाते हैं, चले भैया। ओके देखो इसको कुछ मिल भी गया ना, कुछ भी खोज लेती है भाई। यहाँ पे थोड़ा रील वील बना लिया, थोड़ा फोटो वोटो ले लिया। अब अच्छा है ना यार, आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी ना तो मज़ा आया यहाँ पे। भाई देखो उधर टिम भैया से ना अलग अलग टाइप से फोटो खिंचवा रहा है। टिम भैया भी कह रहा है कहाँ फंस गए यार, कहाँ फंस गए। अभी भी 50 किलोमीटर बाकी है, 1.5 घंटा लगना है। बट अब ठीक है, अब थोड़ा गर्मी गर्मी से हो जाए। आज वेदर ठीक है, ठंड नहीं लगा, जैकेट की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे स्काई देख रहे हो, अलग ही ब्लू कलर है ना, एकदम अलग सा ब्लू कलर दिखता है यार, इतना सुंदर। मतलब एक तो ग्रीन फॉरेस्ट और ब्लू स्काई, एकदम ही पॉल्यूशन फ्री भाई।
वॉच नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम? यू डोंट नो गुड्डू भैया, मुन्ना भैया? यू हैवंट सीन द, क्या बोलते हैं उसको यार, मिर्जापुर? मिर्जापुर, अरे अमेजिंग सीरीज. इफ यू विल वॉच, पीपल फ्रॉम पीपल इन भूटान विल डिस्कार्ड यू. इट इज दैट अमेजिंग. मिर्जापुर नेटफ्लिक्स. इट मस्ट बी देयर ऑन अमेज़न प्राइम. अमेज़न प्राइम पे था ना कि नेटफ्लिक्स पे? अमेज़न प्राइम. अरे किसी पे भी था, लेकिन देखो भैया जबरदस्त है. कालीन भैया और गुड्डू भैया को याद रखो क्या? यू लाइक एक्शन मूवीज? यस, इट इज फुल ऑफ एक्शन. मिर्जापुर एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर, यू कैन वॉच दीज टू. व्हेनेवर देयर इज अ पुर मींस एक्शन, एक्शन लाइक ला मींस पास, पुर मींस एक्शन. जैसे भूटान पुंछलिंग बॉर्डर से बाहर भेज दिया जाएगा, ले जाओ इनको अपने साथ, ले जाओ तुम लोग. पीपल ऑफ भूटान विल सेंड यू बैक टू इंडिया. बैक टू इंडिया यू गो. तो जी हम पहुंच चुके हैं फुनाका, और ये ड्राइविंग स्कूल वाली गाड़ी है, ये गाड़ी चलाना सिखा रही है. और ये है फुनाका रिवर हमारे सामने, और अपना होटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. तो अपन वेट कर रहे हैं, पहले उस गाड़ी को निकलने देंगे, फिर अपन जाएंगे. बाकी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार. अच्छा, दैट दैट इज़ आवर होटल ना? ओके ओके, चलो अच्छा है. या नाउ वी विल पास. कितना सही लग रहा है ना ये रिवर. लास्ट टाइम आए थे तो इधर तक नहीं आ पाए थे अपन ना. डॉगी लोग पता नहीं कहाँ घूम रहा है इधर. ये भी घूमने हाँ भाई. आज हमारे ट्रिप का 7वां या 8वां दिन है. बट देखो मैट ना इतना गंदा हो गया, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा. दूसरा मैट रहता ना तो पूरा मिट्टी उड़ता. अभी इसको साफ भी कर लेंगे. देखा तो अचानक से याद आ गया, सोचा बता दूँ. भाई ये होटल का अपना मतलब क्या बोलें इसको, बैल्कनी टाइप का जहाँ पे आप कैफ़े वैफे है, और ये अपना सामने होटल. बहुत ही सुंदर यार, और यहाँ से तो अलग ही नज़ारे दिख रहे हैं ना. पूरा रिवर व्यू है. थैंक यू. ये हमारा वेलकम ड्रिंक है जी. चीयर्स. ब्यूटीफुल. 7 to 6. ओके थैंक यू. वी कैन सी द व्यू फ्रॉम हियर ना. बस व्यू दिख रहा है. भाई तो ये था हमारे होटल से फुनाका का नज़ारा. मतलब क्या है ये, देखो सामने रिवर है, ऊपर पूरा सिटी है. अब क्या है ना कि फुनाका बहुत फेमस है दो चीज़ों के लिए. एक है फोर्ट, दूसरा है हैंगिंग ब्रिज. अब फोर्ट का व्यू सुबह के टाइम पे कुछ और आता है, रात के टाइम पे कुछ और आता है. और जो रात के टाइम पे आता है ना, अगर वो नहीं देखा तो बेकार है आपका यहाँ आना. वही दिखाने वाले हम आपको आज. चले गुरु, तो जाए सुरु. टिम भैया को हमने फ़ोन करके बोल दिया कि भैया चलो हमें फोर्ट लेके चलो. तो टिम भैया भी नीचे आ गए होंगे. यस भैया इज हियर. आप हमसे पहले आ गए. ये स्टीप है ना, डाउन डाउन वाले. ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल नदी में ही उतार दोगे अभी. ये सामने है ना फोर्ट जो दिख रहा है, जल रहा है. यस यस. ओह इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. गाड़ी की चेकिंग हो रही है यहाँ पे. हमारी भी चेकिंग हुई, मतलब अल्कोहल डॉक्यूमेंट्स. बट ये जो है ना भाई किलर, मतलब यही एक व्यू पॉइंट है. बस लुक एट द फोर्ट यार, सो ब्यूटीफुल. मतलब कितना जबरदस्त लग रहा है यार ये. ओह अमेजिंग यार, अमेजिंग. और यहाँ नीचे ना नदी है, और ये पूरा फुनाका फोर्ट का जो व्यू है ना, रात का व्यू अलग ही आता है यार. ये चीज़ ना शायद ना दिन के टाइम पे, कल मैं दिन के टाइम पे भी इधर आऊँगा, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि दिन के टाइम पे कैसा लगता है. लेकिन अभी देखो चांद है, मतलब आसमान में चांद और पूरा बादल और फोर्ट का व्यू, क्या सुंदर है भाई. टेक अ टर्न फ्रॉम देयर. सो अभी यहाँ पे हम बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं, ये चेक कर रहे हैं ना ड्रिंक एंड ड्राइव डॉक्यूमेंट्स, ड्रिंक एंड ड्राइव.
तो हम भी यहाँ पे, हमें तो यहीं पे रुकना था, तो हमारा भी लकीली मैं बैग लेके आया था जिसमें हमारे पासपोर्ट्स, अपने सारे ड्राइविंग लाइसेंस और सारी चीज़ें थी, तो हमने भी उनको दिखा दिया। प्लस ड्रिंक तो हम एनीवेज नहीं कर रहे थे तो अपना कोई टेंशन नहीं था। बट यहाँ भी फुक्की टेस्ट वाला हिसाब किताब है कि फुक्की टेस्ट आपको करना पड़ता है, एंड फुक्की टेस्ट से आप अगर पास होगे फिर आप निकलोगे, नहीं तो फिर आपको पनिशमेंट है। चलो जी, आ गए हम अपने वापस होटल पे। ये गौतम बुद्ध की एक यहाँ पे प्रतिमा है, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। लाइट अभी ना कैमरे में तो उतना नहीं पता चलता है। तो चलो गाइस, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो बड़े थम्स अप चैनल पे, डू सब्सक्राइब चैनल। अभी बैठ के एडिटिंग वाला काम ही कर रहे हैं, यहाँ पे नेटवर्क अच्छा आ रहा है तो यहाँ से वीडियोज अपलोड कर देंगे, और कोशिश करेंगे कि एक दिन में मे बी आप एक पिछले एक दो वीडियोस, एक दो दिन से आप दो दो वीडियोस देख रहे हो, बिकॉज थोड़ा बैकलॉग हो गया ना, तो वो बैकलॉग भी कंप्लीट करना, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है। तो प्लीज़ प्यार बनाए रखना, वीडियोस को सपोर्ट करना, और ये सीरीज़ अच्छा लगा तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।